सारे भैया ने राम राम भाई। हाल फिलहाल आज हम आप लोगों को जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो दूसरी वीडियो से बिल्कुल एंटिक होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ साथ भी देवा ठाकुर जी जुड़ गई हैं और भाई छोटा भाई सुमित सुरान मेरे बिल्कुल साथ में बैठा है। हमारे जो सवाल हैं साध्वी जी से वो साधुताओं को लेके, हिंदुताओं को लेके, समाज को लेके, और साध्वी जी हर चीज़ से वाकिफ है। इनके ऊपर बैक टू बैक एलिगेशन लोग लगाते रहते हैं और ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहने वाली साध्वी है। तो आज साध्वी जी से बैक टू बैक सवाल किए जाएंगे और उनकी जहाँ प्रशंसा की बातें आएंगी तो हम उनकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन जहाँ सामाजिक जो बातें हैं जो इनके ऊपर एलिगेशन होते हैं तो शायद आज नहीं छोड़ा जाएगा। बाबा जी का आशीर्वाद भी है तो आज बात जरूर करेंगे। तो सबसे पहले साध्वी जी, अभिमन्यु मूवीज और सर्च हरियाणा ये दो छोटे छोटे चैनल आपके साथ आज हैं, तो स्वागत है आपका हमारे बहुत चैनल बहुत पर। धन्यवाद। और सुमित जी आपका भी धन्यवाद, और पवन जी से मैं बड़ी परिचित हूँ, उनका विशेष तौर पर धन्यवाद। तो साध्वी जी, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करना चाहेंगे आपके निजी जीवन से। आप जानते हो हम साधुओं के इंटरव्यू करते हैं तो काफी एंटिक सवाल हमारे पास होते हैं, वहीं से स्टार्ट है। साध्वी जी, हम चाहते हैं एक बार आप अपना प्रॉपर परिचय हमारे दर्शकों को दो। क्या नाम जन्म से हमारी माता जी ने आपका रखा था, प्लीज। मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ और मैं आपसे निवेदन भी करती हूँ, छुपाने जैसा कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसी एंटिक सामग्री हो जिसको छुपाकर कोई बेनिफिट होता हम लोगों का। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी सन्यासी, कोई भी अखाड़े द्वारे का व्यक्ति है, वो अगर चाहता है कि नहीं मेरा नाम बचपन में फलाना था, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, मेरा बड़ा लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ, मैं तो पापा की परी थी, मैं तो राजकुमारी के ढंग से पैदा हुई, ये तमाम चीजें छोड़कर आज पर बात करें तो अच्छा है। तो साध्वी जी, एक इतना तो जानने का हक है, किस परिवार में कब आपका जन्म हुआ? मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरा पर यहाँ गांव ब्रास में पैदा हुई, और सबसे अच्छी बात जो जिस जाति में पैदा हुआ उस पर गर्व करना चाहिए। अब कोर्स मैं करना एक चाहिए। राजपूत परिवार में पैदा हुई, मेरे फादर साहब श्री सुखवीर सिंह, मेरी माता सुकंतला देवी, मतलब जो एक सामान्य परिवार में एक बच्ची होती है वैसे। आपके पिताजी के कितनी संतान है? मेरे पिताजी और मेरी माताजी की दोनों की हैं, और कुल मिला के मेरे दो भाई, दो बहनें और मैं बीच में। साध्वी जी, ऐसे बताते हैं कि जब साधु बन जाता है, साध्वी बन जाते हैं, तो घर से जो है रिश्ता मतलब खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है? रिश्ते मानसिक रूप से मेरे ख्याल से होने चाहिए, रिश्ते अंदर का विषय है, रिश्ते कोई बनावटी फ्रेम नहीं है मेरे ख्याल से। आपसे, पवन जी से या दुनियादारी से मैं दिखावे के लिए बोलूँ, नहीं नहीं मेरी सबसे सेम अटैचमेंट ऐसा नहीं होता, किसी से ज़्यादा और कम होती। वो सेम फीलिंग जो सबकी होती है, वही इंसान तो इंसान है। लेकिन साध्वी जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, कितने पढ़े? मेरे को मालूम है, अभी आप पूछोगे आप कितने पढ़े, फिर आप पूछोगे आप किसके शिष्य हैं, फिर आप पूछोगे साधु कैसे बने। तो सारी बातें एक ही बार बता दो। साध्वी जी बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने की क्षमता तो मैं नहीं कह सकती, बड़ी बात हो जाएगी, बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करती जी हूँ थैंक यू, थोड़ा थोड़ा सा कि जी थैंक समझने यू का प्रयास करूँ, नथिंग एल्स, कुछ स्पेशल नहीं है जो कह सकती। जी। तो सबसे बड़ा मेन सवाल जो है, आप टारगेट होते हो तो पब्लिक, जैसे कि एक साधु वाला जो है, आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी हमने देखी है, मैं भी आपका फॉलोअर हूँ वाओ और थैंक यू। देखता हूँ मैं हर रोज, तो उसके अंदर जो आपकी एक, जैसे कि जिस प्रकार से आप रील्स बनाते हो ना, तो उसमें जो है आप कहीं ना कहीं साध्वी की बजाय एक मॉडल के तौर पर जो है ज़्यादा दिखाई देते हो, क्या? मुझे मुझे बड़ा ना अच्छा लगता है, हालांकि लोग चिढ़ जाते हैं, साधु साधुओं को कोई मॉडल बोल दे, सुंदर बोल दे, ठीक बोल दे। देखिए पहली बात मैं कहती हूँ, आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, बिल्कुल फिट रहिए, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा शरीर है, मुझे सुंदर रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। साध्वी जी, कौन जैसे मैं एक बात जानना चाहूँगा, वही बात मैं बैक फिर आऊँगा, आपने उसको थोड़ा सा घुमा दिया, आप साध्वी बने ही क्यों? क्योंकि हर लड़की या हर आदमी जैसे यंग होता है तो उसकी भाई सांसारिक जीवन जीने वाली बात हो जाती है, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उसका अपना परिवार होगा, बहुत सारी बातें हैं।
देखिए, फ्यूचर गर्म में होता है। अब जरूरी नहीं होता, मैं तो ये मानती हूँ कि कोई बनता नहीं है, नेचुरल। अच्छा एक बात है, जैसे नाथ हैं, गिरी हैं, दास हैं, बहुत सारे पंथ हैं हमारे, जो साधुताओं के जो पंथ हैं वो बहुत सारे हैं। तो आपने साध्वी देवा ठाकुर इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दुनिया के सामने है, तो आप देखिए, किस पंथ से हो? मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, नाथ संप्रदाय में मेरी श्रद्धा है, नाथ संप्रदाय में मेरी पूर्ण आस्था है। 2016 में नाथ संप्रदाय में मेरी पूर्ण आस्था जागृत हुई। उससे पहले मैं साधारण तरीके से देवी आराधना पूजा कर अपना यहाँ तक आई। मैं आराधना किस देवी देवता की मैं करती हूँ? देवी बाला सुंदरी के नाम से एक शक्तिपीठ है, उनकी हम साधना करते हैं और काली उपासक हैं। जैसे क्या है कि भाई जब जब भी किसी साधु का नाम आता है तो साधु के साथ बहुत सारी बातें और जुड़ जाती हैं, हमेशा साधुत्व में रहना, हमेशा उसको जो सांसारिक जो भोग हैं और जो व्यर्थ के प्रलोभन है उनसे दूर हो जाना, आपकी क्या मैं राय है? कैमरे के सामने केवल मात्र बोल दूं कि नहीं, मेरी भोग विलासा इच्छा, मैं कोई गुफा में नहीं रहती, आपके बीच में रहती। हमारे बीच में रहते हो इसीलिए आज हम आपको ढूंढ पाए हैं, गुफा में जाने की हिम्मत तो हमारी भी नहीं है। और मैं ये इन साधुओं को भी कहना चाहती हूँ, आडंबर, झूठ, फरेब, नाटक, ये सब छोड़ के ओरिजिनल जियो ना, आनंददायक। फर्स्ट टाइम जाड़ा किसी को कब लगाया था? जाड़ा जाड़ा तो मैं ही बुला दूँ नहीं, एक किस झाड़ का कब झाड़ा कब मन लगाया? में आई नहीं, मैं किसी ऐसा को झाड़ा लगाऊं, ऐसा नहीं होता चंदे है। वगैरह से हमारे पूछकर? हमारे सभी मंदिरों में, सभी पवित्र स्थानों पर, सभी भगवानों के पास, सारे देवी देवताओं के पास मोर चंदा होता है, इसको शुद्ध मानते इसलिए रखते। तो आपने वो फर्स्ट टाइम कब किया था, याद है आपको? कब आपका मन बना कि मैं भी शायद ये कर सकती हूँ? नहीं, ये हमारे यहाँ कोई प्रॉपर तरीके से हमने इसको गैदर नहीं किया और फिर उसको सेटल करके हम लोगों ने स्टे नहीं किया इस पे और फिर जाकर उस प्रोसेस को चालू नहीं किया। सन 98 में इस मंदिर का हमने निर्माण किया और 2000 में हमने इसको मूर्ति स्थापना की। 95 में जब मैं और बहुत छोटी थी, मात्र 7-8 साल की, तब से चंदा लिया? चंदा लिया नहीं, मुझे नहीं लगता, शायद पवन जैसा कोई आया और दिया होगा, शायद चल गया। सोने की जो है आप जो है दूर से जो है सोना इतना चमकने लग रहे हैं, इसके पीछे राज के ये पैदाइशी मतलब घर से ही जो है ये मतलब आपके पास या इतना गोल्ड सोना है, पहनने का फिर ऑलरेडी शौक है? पवन जी, सुमित जी, मैं गर्व करती हूँ, मैं एक राजपूत परिवार में पैदा हुई और राजपूती कभी विधवा नहीं होती। और छत्राणी, अगर कुछ इंसिडेंट ऐसा भी हो जाए तब भी कहते हैं हमारे ब्लड में इतनी गर्मी है कि हमने तलवारों से इतिहास लिखा है, तो ये तो हमारी परंपरा है। परंपरा है। नहीं फिर जैसे कि बताते हैं कि एक तो जैसे कि बचपन से यानी कि फैमिली बैकग्राउंड में मतलब इतना सोना चांदी पहनना या त्याग करना, कभी कभी मैं व्हाइट कपड़ा भी पहनती हूँ। बिल्कुल जी पहनते हो, हमारे गांव में जिस दिन आप गए थे तो व्हाइट में ही नहीं थे। कभी कभी मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनती, कनौज पेंट भी नहीं पहनती। ये तो मानसिक, जब आप बहुत अपने ढंग से रहते हो तो पहन लेते हो, आप कभी कभी कंफर्ट जोन में होते हो, कभी कभी ट्रैक सूट में होते हो, कभी कभी जींस पहनते हो, ऐसा ही अपना जीवन, अपना मन है, इसमें कोई कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं नो है नो किसी नो, प्रकार नथिंग की। एल्स। तो अच्छा जैसे मेरे ना काफ़ी सवाल होते हैं साधुओं से, मैं सेम कुछ आपसे भी करना चाहूँगा, यस यस, क्योंकि व्हाई नॉट। तो जैसे क्या होता है भाई कोई खिलाड़ी है तो वो सोचेगा यार ये सुमित ना बहुत बेटर खेलता है, मैं भी क्या कभी सुमित की तरह खेल पाऊंगा, वो मेरा आइडल हो जाता है यार, मैं भी इसकी तरह कभी, ये मेरा आइडल है मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। तो क्या कोई संत, कोई साधु या कोई साध्वी देवा ठाकर के भी मन को ऐसा लगा कि यार वाह मैं भी एक दिन? नहीं, आज के दौर में तो ऐसा मैं किसी की फैन नहीं कभी रही, कभी नहीं रही, ना मेरा मन बदला। जैसे लोगों का मन बदलता, आज ये साधु, कल वो साधु, कल वो सन्यासी, कल वो अखाड़ा, वो द्वारा, ऐसा कभी नहीं है। मैं काफ़ी रुकती हूँ जीवन में, दौड़ती नहीं हूँ, और विवेकानंद को मैं काफ़ी देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता आपने बहुत ऊंची सोच के साथ स्वामी जी का नाम लिया है, हम भी उनके पद चिन्हों पे चलने वाले और उनको फॉलो करने वाले है। हैं, यस, मैं करती हूँ। और दिस इज ग्रेट नेम है। तो साध्वी जी मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे दूसरे डेरे होते हैं या धाम होते हैं, यस, तो वहाँ जब कोई धाम पे या डेरे पे किसी साधु के पास दूसरा साधु दौरे साधु जावे लगे ज्ञान के रगड़े, तो जब यहाँ कोई साधु आता है तो जैसे दूसरे साधु सेम उसको वो मान्यतान का जो तरीका नहीं होता, यस वो यस, जब जाते हैं तो वो एक दूसरे को देते हैं, उनका अपना तरीका होता है, वो उनकी
आव भगत करना और जाते टाइम उनकी मान करना, तो क्या वो सेम यहाँ अपने धाम पे भी? मैं ट्राई करती हूँ, अगर कोई संत सम्मान के लायक है, अपेक्षा नहीं कर रहा। इसमें ये दो बात होगी सर, आपने बोला संत सम्मान के लायक है, यानी के अब संत भी संत ही होगा सम्मान, ऐसा नहीं है। कभी कभी भगवा कपड़ा पहने हुए, भगवा कपड़ा के अंदर जब रावण ने सीता हरण किया तो भगवे का इस्तेमाल किया, ऐसे साधु भी हमारे। अच्छा साधु जी, जो जैसे सीएमसी पे बात आ गई, कई बार क्या होता है भगवा पहने हुए ठेके आगे खड़े पाँव हैं, उसी की बात कर रहे हैं आप, वहाँ बोल रहे हो, तब कैसा मतलब क्या फीलिंग होती है साधुओं के बारे में उस समय? नशेड़ी कभी साधु नहीं हो सकता, पाखंडी कभी साधु नहीं हो सकता। मैं तो ये कहती हूँ, आज जो आपके सारे प्रश्न निकल कर आए ना, उन लोगों की वजह से हम लोगों पे डाउट करते हैं। अच्छा, जो जेल में गए, तो गुफाएं जिन्होंने बना रखी थी और जो जेल में गए, तो साध्वी जी जब वो चीजें न्यूज वो चीजें निकल के आई, आपने टीवी में देखा कि यार फलाना साधु फलाना बापू फलाना दादा वो फंस गया और 100% मतलब इलीगल तरीके से फंस गया और उसके खिलाफ एविडेंस हैं, तो तब क्या कभी खुद के बारे में सोचा? नहीं, बलात्कार जैसे, रामपाल महाराज जैसे, राम रहीम जैसे करतूत करेंगे तो जाए। तो आप इसके खिलाफ हो? yes, जो जैसे करेगा वैसे बढ़ेगा, बिल्कुल, कोई भी जैसे साधु हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो। तो देवा ठाकुर के बारे में काफी चीजें प्रचलित हैं हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में, आप भी होगी। हाँ, जैसे देवा ठाकुर क्या कहते हैं लोग कहते हैं आपसे, बहुत सारे मेरे से पहले भी क्वेश्चन आउटपुट हुए हैं कि देवा जी आप ना साध्वी जी आप लोगों को गाली दे देते हो और गालियां भी मतलब हाई लेवल की दे देते हो, तो कहाँ से लाते हो? नहीं लाती नहीं, रूटीन में नहीं लेके आई। एक परिस्थिति पैदा हुई, जब आपके कोई स्वाभिमान को आपको कोई इस कदर टारगेट करे या ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने पैदा हो या किसी के मान सम्मान का विषय हो, तो इतनी गर्मी आपके खून में होनी चाहिए कि जवाबदेही बनती हो, मैंने दी। और हाँ, अगर कोई दोबारा उससे प्रयास करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो उसमें तो जो हमें साध्वी जी जवान की बजाय अगर हाथ का इस्तेमाल कराया जाए तो बेटर नहीं? कभी कभी क्या है, मैंने कहा कि मैं गुफाओं में नहीं रहती, मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ आपके बीच में, डिस्ट्रिक्ट करनाल में गांव ब्रास में देवाजी धाम में रहती हूँ, और मुझे अगर ऐसा लगेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी और देती हूँ। एक एंटिक सवाल है साध्वी जी, साधु बनना यानी कि भगवान को प्राप्त करना, गलत तो नहीं साध्वी जी? नहीं, ये जो सवाल है ना आपका, साधु बनना भगवान को प्राप्त करना, कितने आप कहाँ कैसे जान पाओगे किसने भगवान को प्राप्त कर लिया? आप इच्छाएं मार ली, नहाए नहीं 5-6 दिन, बाल बढ़ा लिए, वो है क्या? अच्छा, मैं यहाँ मेरे से एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि बहुत सारे साधु हट योग में आ जाते हैं, वो अभी मैंने एक पीछे एक साधु का, वो महाराष्ट्र से आए थे वो साधु जी, उनकी उम्र 100+ थी, तो वो पिछले 80 साल से वो बोले ही नहीं, उन्होंने अपनी जीभ का यूज ही नहीं किया, तो ये हट योग है। एक साधु मैंने हरिद्वार में देखा, वो पिछले 30-35 साल से खड़ा ही है और सिंगल पैर पे खड़ा है। तो इस तरीके से जो ये साधु जो हट योग करते हैं, तो ये भगवान को खुश करने के लिए या भगवान जी को रख दो भगवान जी की प्राप्ति के लिए, या दुनिया में जो चीजें वो कहते हैं, जब हम उनसे कुछ पूछते हैं मेरे जैसे जो कि जी साधु जी आपने ये क्यों किया, तो वो कहते हैं भाई दुनिया में जो विकार हो जाते हैं ना, हम भगवान की तपस्या करके उनको दूर करने के लिए हट योग करते हैं। देखिए, मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान की बातें नहीं करती, ज्ञान से मेरा काफ़ी दूर दराज का रिश्ता है, मैं आज के युग में रहती हूँ, मैंने कई बार आपको बोल लिया, बहुत ज़्यादा पाखंड ना मैं करती हूँ ना पसंद करती। कभी हट योग का कोई एक छोटा सा काम किया? ये हट योग ही है जो नॉर्मल लाइफ से इस लाइफ में आ गई, एक जिद्दी है ये, और क्या है। कभी मन कभी विचलित नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। कभी किसी हैंडसम लड़के को देख के? नहीं, भी कुछ भी ऐसा हैंडसम लड़के को देखना चाहिए, हैंडसम को हैंडसम कहना चाहिए, तुम सुंदर हो, सुंदर बोलना चाहिए। साध्वी जी, एक्चुअली क्या है, मुझे मालूम था आपका सेम यही जवाब होगा, मुझे ऑलरेडी मालूम था, क्योंकि मैंने आपके सैकड़ों इंटरव्यू जो पहले हुए हैं वो फॉलो किए हैं, और आप अपनी दिशा से नहीं भटकते, तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको भटका पाए, लेकिन दिस इज माई जॉब, करूँ ना, व्हाई नॉट।
बड़े शौक से करिए, पूछिए ना और पूछिए तो, क्या अभी बात तक करता कोई पसंद आया है?